आदाब और सलाम माताओं और बहनों और दोस्तों सभी को। कॉटन बट से है, इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्यों, क्या हो सकता है और नुकसान तो जिंदगी भर का होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप किसी का शिकायत नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको कान में डालने से हो जाएगा बहरे। आइए जानते हैं आगे क्यों ऐसा होता है। और दोस्तों इसे सबके लिए जरूरी वीडियो है, ये हमेशा आपको यूज आने वाले। जिंदगी भर एक बार दो चार मिनट दे दो, आपको जिंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी, कान का बहरापन नहीं होगा, दिक्कत क्या। और दोस्तों एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन से बनेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जब हम लोग इसे कान में डालते हैं तो क्या होता है, जब कान में डालते हैं तो इस कान के अंदर थोड़ा सा अंदर में क्या होता है, एयर वैक्स, कान का मैल जिसे गुज्जू गुज्जू कहते हैं, ये एसिडिक नेचर का होता है और ऑयली होता है। ये ये क्या करता है, आपके कानों में जो घुसने वाला बैक्टीरिया, फंजाई, जर्म और धूल कण, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर ये इधर आने नहीं देता है। इसमें ये नेचर का होता है। और जब आप ये डालते हो कान में ऐसे इस तरीका से, तो ये धीरे धीरे कान का मैल आपका इकट्ठा यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसके वजह से आपको कम सुनाई देने लगता है। उसके बाद और जोर जोर से ढकेलने लगते हो, ये तीली से भी और ये इससे भी, और फिर ये आपका कान का पर्दा, नाम सुना होगा कान का पर्दा फट गया है, वो फट जाने से आप हो जाओगे हमेशा के लिए बहरा। और आजकल ऑपरेशन भी होता है। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो पूछा जाता है, हाँ, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा हड्डी से स्टेपीज होता है जो कान के पर्दे के पीछे होता है, और इस कान का पर्दा का काम क्या है, जब आवाज आता है तो ये वाइब्रेट करता है और ये हड्डियों को पहुंचाता है मैसेज और फिर ब्रेन को पहुंच जाता है। कान के पर्दे को कहते हैं एयर ड्रम भी कहते हैं, टाइम पेनिक झिल्ली भी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और इसका ऑपरेशन भी हो सकता है, ये ऑपरेशन को कहते हैं मायोरिंगोप्लास्टी। तो दोस्तों आपको समझना आ गया होगा कि ये कान का पर्दा इससे क्यों फटता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, खूब ज्यादा नुचाए खुजाए तो ऐसे कर लेना, ये अंगूठा से या ऐसे कर लेना, ये मत डालना। दोस्तों अगर ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, फॉलो कर ले जरूर, आप लाइक कर ले, दोस्तों को शेयर भी कर ले।